फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंजल क्ले से एंजल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस क्ले। दिस इज फेविक्रिल मोल्डेड क्ले एंड ये सारे स्टेशनरी शॉप्स पे अवेलेबल होता है। एंड अच्छे स्टेशनरी शॉप्स पे आप सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर दो कंपाउंड्स होते हैं, फर्स्ट वन इज रेड एंड अनदर वन इज ब्लू। एंड इनको कैसे यूज करना है, कैसे मिक्स करना है मैं आपको बताती हूँ। एंड अगर 1% वैसे ये इजीली अवेलेबल होते हैं, अगर 1% अगर ये नहीं भी मिलता है आपको ये वाला क्ले, तो हम उसकी जगह हम एमसील भी यूज कर सकते हैं। बट आई वोंट सजेस्ट अ लॉट टू यूज द एमसील बिकॉज दैट्स हार्डली केमिकल बेस्ड। एंड ये भी केमिकल बेस्ड है लेकिन ये क्राफ्ट के लिए ही बना है और उतना हार्श केमिकल नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी इसको यूज करने के लिए हमें एक और चीज लगेगी, दैट इज टैल्क। कोई सा भी टैल्क हम यूज कर सकते हैं, एनी टैल्क। आप सस्ता वाला कोई सा टैल्क ले सकते हैं और उसको लेके हम यूज कर सकते हैं। आई एम टेकिंग दिस एंड इसके लिए हमें बीच में बेस एक पॉलीथिन चाहिए होते, एक पॉली बैग आपको लगेगा, सो दैट क्ले से हम जो भी बनाएंगे वो स्टिक ना हो। हमने थोड़ा सा क्ले लिया, हाथों को ऐसे ग्रीस किया एंड नाउ आई विल स्टार्ट दिस। लुक, आई एम टियरिंग वन पैक, टेकिंग आउट वन कंपाउंड। दिस इज द वे आई एम प्रिपेयरिंग द क्ले। दिस इज अ क्ले मोल्डिंग सेशन, यू कैन से हम क्ले मोल्डिंग से एंजल बनाएंगे। मैंने बहुत सारे एंजल्स बनाए हैं, मैं अभी बहुत बेसिक वाले सबसे फर्स्ट एंजल से स्टार्टिंग कर रही हूं। आई विल शो यू मैंने कौन सा एंजल मैं आपको सिखाने वाली हूं आज। सो आई एम कीपिंग बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स लाइक दिस एंड इनको ट्विस्ट किया एंड आई विल स्टार्ट मिक्सिंग दैम। ऐसे ऐसे अगेन। सो हियर आवर क्ले इज रेडी। क्ले का सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि ये रेडी तभी है, मिक्स तभी मानिए जब एक यूनिफॉर्म कलर में आ जाए, कहीं भी डिफरेंट शेड्स नहीं दिखाई दें कलर्स में। जब भी हमने क्ले स्टार्ट किया था तो वन कंपोनेंट वॉज इन लाइट कलर एंड अदर वॉज इन डार्क कलर, तो ये फाइनली हमें एक सेम कलर में मिलना चाहिए, इसमें डिफरेंट शेड्स नहीं मिलना चाहिए, देन ओनली आवर क्ले इज रेडी। सी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कौन से एंजल्स किस तरह का बनाने वाले हैं। लुक दिस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दिस वन। हा लुक, अनदर वन आई हैव प्रिपेयर्ड। ऐसा हम बनाने वाले हैं आज। तो अभी इसको पूरा क्ले मैंने हाथ में लिया है एंड आई विल बी मेकिंग द एंजल ऑन दिस स्टोन। हाँ, आप स्टोन के ऊपर या किसी और आइटम किसी भी, बट कोशिश कीजिए कि जो बेस आप लेंगे वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए टू सपोर्ट, तो वो इस इतने हैवी क्ले को बैलेंस कर पाए। तो हम अभी फिलहाल एक बॉल बनाया है मैंने, बॉल को थोड़ा सा सिलेंडर शेप देना शुरू किया है एंड सिलेंडर की जगह आई कैन कॉल इट अ कैरेट शेप, बेटर अ कैरेट शेप, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा थिन रहेगा एंड नीचे थोड़ा वाइड रहेगा। लुक लाइक दिस, ओके। एंड टू सेव अ क्ले मैं इसके अंदर थोड़ा हॉलो पोर्शन रख रही हूं टू गिव बेटर फ्रिल्स टू द क्ले। उसका ड्रेस के फ्रिल्स बन जाएंगे उसके, ये जो एंजल का जो ड्रेस है ये थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा।
ऑलमोस्ट थोड़ा बेसिक शेप, हमारा बेस शेप रेडी है। नो थोड़ा स्मूथ कर रही हूं मैं इस पे, अगर कोई ऐसे फिंगरप्रिंट्स या थोड़े मार्क्स अगर ऐसे लग रहे हैं तो मेक इट लिटिल, थोड़ा फिंगर रन करेंगे अपन ऐसे एंड वी कैन हाइड दोज मार्क्स एंड थोड़ा स्मूथ फिनिश आ जाएगा ये। अभी आई एम टेकिंग सम मोर क्ले, अनदर पैकेट आई हैव टेकन, I have taken another packet of this one and I am taking half clay. Most important thing, जितना भी clay हमको use करना है एक बार में, हमें जितना लगता है कि इतना clay use हो पाएगा उतना ही clay mix करना है। अगर हम ज्यादा clay mix कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी dry हो जाता है। I believe it starts getting hard in 10 minutes. 10 मिनट्स में ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अनदर थिंग इज कि दोनों कंपोनेंट्स में से इक्वल प्रोपोर्शन में ही क्ले लेना है। अगर कोई भी कंपोनेंट आपने ज्यादा या दूसरा कम लिया तो ये क्ले उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, हार्ड नहीं होती है या उतना स्मूथ नहीं देगी। तो हमें इक्वल प्रोपोर्शन में ही क्ले को मिक्स करना है, द व्हाइट वन ऑल्सो एंड दिस डार्क पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, आई एम मिक्सिंग एंड आई विल बी नीडिंग अगेन द ग्रीसिंग ऑफ माई हैंड्स। आई एम टेकिंग सम टेल एंड अगेन आई एम स्टार्ट मिक्सिंग। A clay is ready, so now I'll start with her hands. Look, उसके body के proportion में hands रखने के लिए मैंने थोड़ा सा clay लिया है and clay को I'll make a cylinder of the clay. And I'll divide it in two equal parts. एंड इसके बाद अब मैं फिर से एक प्रॉपर कैरेट शेप बना रही हूं। लुक, अ कैरेट शेप अगेन एंड आई विल प्लेस इट लाइक दिस। Prepare two hands, both are equal, carrot shaped, okay, and इसमें यहां मोटे वाले साइड में थोड़ा सा हॉलो कर लेते हैं हम इसको, लाइक दिस। ओके, एंड द सेम विद दिस। Now I'll place it like this. Yeah. अभी I'll make the palms. Okay. And palms के लिए भी दो छोटे छोटे equal size balls लिए मैंने, दो छोटी छोटी क्ले इक्वल साइज। ओके, एंड इन बॉल्स को ऐसा लीफ शेप बनाया मैंने, लीफ शेप। ओके, एंड लीफ शेप के बाद एक साइड से थोड़ा ज्यादा थिन किया, फ्लैटन द फॉरवर्ड पोर्शन एंड ये यहां से थिन किया। एंड आई एम यूजिंग वन ऑफ माई टूल, हेयर इट इज, एंड मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूंगी सो दैट इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक प्रॉपर पाम विथ सेपरेट थंब।
दिस इज वेरी बेसिक वर्जन ऑफ मेकिंग एन एंजल. ओके, हम बहुत एडवांस एंजल्स भी बनाएंगे फ्यूचर में. मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगी. वेट, here I have placed the hands and I'm using this tool of mine. आप कोई भी blunt knife use कर सकते हो, butter knife use कर सकते हो. We just have to separate the thumbs to look like a perfect palm. Okay, and now I am making a heart. As it's a love angel, so I am placing a heart in its hands. Like this. Okay. And now the head portion. Preparing a ball and फिर नीचे थोड़ा थोड़ा सा नेक पोर्शन देना स्टार्ट कर रहा हूं. ऐसे एंड वी डू अ होल ओके एंड वी प्लेस द हेड ऑफ द एंजल इन दिस. Like this. This is the basic figure is ready. Now we'll do the rest decoration work. Okay. So I'll be needing to prepare another clay. आप भी clay prepare कीजिए. तब तक हमें इसका decoration part करना है. Prepared. Look, I have prepared another clay. My clay is ready. And इसको मैंने पहले थोड़ा सिलेंडर स्नेक वी कैन से स्नेक और सिलेंडर शेप में रोल किया. एंड रोल करने के बाद मैं इसको फ्लैटन कर रही हूं. ओके, मैं इसको फ्लैटन कर रही हूं. एंड फ्लैटन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फैंसी डिजाइन दूंगी. इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं ये सारा काम एक पॉलिथिन पे रख के ही कर रही हूँ. आप कुछ भी ऐसा थोड़ा नॉन स्टिकी बेस लेके ही ये सारे काम कीजिएगा ना. एंड इसके लिए अभी इसको डिजाइनिंग वर्क. यू कैन यूज एनीथिंग टू गिव एनी काइंड ऑफ डिजाइन. अभी मेरे पास यही है, इट्स रीफिल है ना, यूज रीफिल. एंड मैं इसी से ही ये ऐसे कुछ भी डिजाइनिंग कर रही हूँ. दिस इज स्ट्रिप इज रेडी. नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस इट लाइक दिस. समझ आया होगा आपको, है ना. ठीक है, अनदर वेरी स्मॉल बॉल.
बनाते बनाते अगर डिजाइन थोड़ा सा इरेज हो गया तो उसको रीफिनिश कर देगी। इट्स डन। अभी द रिमेनिंग पोर्शन इज द विंग्स एंड उसके ऊपर का ये रिंग, उसके हेड का रिंग, है ना। रेस्ट होप यू कैन सी। अभी विंग्स के लिए आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम अगेन मिक्सिंग द रेस्ट ऑफ माई केक। देखो विंग्स बनाने के लिए फिर से मैं क्ले को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं, है ना। एंड विंग्स का शेप अपन कैसे देंगे, ठीक है। एक साइड से इसको थोड़ा सा पॉइंटेड करती जा रही हूं मैं, ठीक है। फ्लैट भी करते जाऊंगी, पॉइंटेड भी करते जाऊंगी। राउंड पॉइंटेड, वैसे विंग्स आप किसी भी शेप के अपनी चॉइस से बना सकते हो, एनी शेप, है ना। लुक, एक तो ये शेप हो सकता है जो शेप मैंने बनाया हुआ है, ये शेप। एक शेप ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे विंग्स बना दें, ठीक है। चलो मैं आज ऐसे ही वाले विंग्स बनाती हूँ, डाउनवर्ड। विंग्स बनाने का एक और बहुत इजी तरीका हो सकता है, वो मैं इस वीडियो में नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। Like this, I am preparing another one, okay? विंग्स पे ताकि वो विंग्स जैसे लगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस द विंग्स लाइक दिस। लुक, आवर एंजल इज ऑलमोस्ट रेडी। इसका फिनिशिंग वर्क आप आराम से अपने जैसे आपको पसंद हो वैसे कर सकते हैं। इसके विंग्स पे थोड़ा क्लोज एक दूसरे से चिपका के फिर विंग्स सेट किया है मैंने। एंड विंग्स पे आप पीछे से भी डिजाइन बना सकते हैं। एंड जस्ट लाइक Thank you friends, if you like the video please subscribe my channel and main aur bahut sare videos bahut sari like I'll show you some of my clay work. I haven't used any molds to make this, maine bina kisi mold ke banaya hai ye and isi clay se banaya hai. I'll be telling you bahut sari cheeze hai mere paas, I'll show you them all. मैं नेक्स्ट वीडियोज में और बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगी। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, इट वॉज यूजफुल फॉर यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.